गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास वन में पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 19 अंक शब्दों में। तो बच्चों, इस पार्ट को हम लोग किताब की सहायता से पढ़ते हैं। कार्य पत्रक 19 अंक शब्दों में। यहाँ पे बच्चों देख रहे हो आप लोग कि एक बॉल बना है, वन एक, और इसको शब्दों में लिखेंगे एक। यहाँ पे दो फूल देख रहे हो, टू दो, और शब्दों में दो। यहाँ पे देख रहे हो एक दो तीन, यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, तीन शब्दों में तीन। यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे फोर लिखा हुआ है और हिंदी में चार, और यहाँ पे चार शब्दों में। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ फाइव लिखा हुआ है, हिंदी में पाँच और शब्दों में पाँच। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ सिक्स लिखा हुआ है, हिंदी में छः और शब्दों में छः। यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पे सेवन लिखा है और हिंदी में सेवन, और यहाँ पे मतलब सात, और यहाँ पे शब्दों में सात। और यहाँ देख रहे हो बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे एट लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में आठ और शब्दों में आठ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है और हिंदी में नौ और शब्दों में नौ। यहाँ देखो बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ पे टेन लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में दस और यहाँ शब्दों में दस। अंक और संख्या शब्द लिखो। अंक पहले लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब यहाँ हिंदी में लिखा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब यहाँ पे लिखा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। पार्ट 20 अंकों का अभ्यास। तो बच्चों, हम लोग इसको इस पार्ट को किताब की सहायता से पढ़ते हैं। कार्य पत्रक 20 अंकों का अभ्यास। चित्र देखकर सही संख्या बताओ। ये चित्र देखो बच्चों, कितने बने हैं आम? एक दो तीन चार, तो यहाँ हिंदी में चार लिखा हुआ है, यहाँ शब्दों में चार आम। यहाँ देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ पे टेन, और हिंदी में दस बटन। यहाँ वन टू थ्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थ्री तीन तितलियाँ। यहाँ देख रहे हो चित्र है किसका? चूहे का ना, वन, तो यहाँ लिखेंगे वन, यहाँ हिंदी में लिखेंगे एक चूहा, एक चूहा। यहाँ वन टू, टू मतलब दो पुस्तकें। यहाँ देखो किसका चित्र है? तोते का ना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ लिखेंगे फाइव, हिंदी में लिखेंगे पाँच तोते। यहाँ देखो बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइन, यहाँ लिखेंगे नौ हिंदी में,
सेब, नौ सेब। यहाँ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ लिखेंगे सेवन, सात फूल। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ लिखेंगे हम एट, यहाँ लिखेंगे आठ टमाटर। यहाँ देखो बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ लिखेंगे सिक्स, यहाँ हिंदी में लिखेंगे छः केले। तो बच्चों आपने इसको पढ़ा और आप लोग किताब में भरेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे। पार्ट ही, मैं, तुम और वह, तो हम लोग किताब की सहायता से पढ़ेंगे बच्चों। कार्यपत्रक 21, मैं, तुम, वह। मैं बात करने वाला अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है, तुम और आप जिससे बात की जाती है उसके लिए तुम या आप शब्द का प्रयोग होता है, वह जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए वह या वे शब्द का प्रयोग किया जाता है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो, आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ से भरेंगे हम लोग बच्चों, जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग भरेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, वह किस को बुला रही है, यहाँ से भरेंगे वह आपको बुला रही है, मैं क्या करूँ, यहाँ से भरेंगे हम लोग आप घर जाओ, सीता क्या कर रही है, वह पढ़ रही है। पाठ 22, विशेषता बताने वाले शब्द, तो इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किताब की सहायता से। कार्यपत्रक 22, विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ शब्द विशेषता बताते हैं, कैसा लड़का, लड़का कैसा है, मोटा लड़का, इसकी विशेषता क्या है, लड़का मोटा है। कैसी लड़की, लड़की कैसी है, पतली लड़की, लड़की पतली है। मोटा और पतली शब्दों से एक विशेषता के बारे में पता चलता है, सही शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखो, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये पेड़ का चित्र देख रहे हो ना बच्चों, तो ये पेड़ कैसा है, बड़ा, ये पेड़ बड़ा है, तो बड़ा पेड़, पेड़ कैसा है, बड़ा है। लाल टमाटर, ये टमाटर लाल है, इसकी विशेषता है। ठंडी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम ठंडी है। सुंदर चिड़िया, ये चिड़िया सुंदर है, इसकी ये विशेषता है। ये करेले का चित्र है, करेला होता है कड़वा, तो कड़वा करेला। ये इमारत देख रहे हो बच्चों, ऊंची कुतुब मीनार। ये घास का चित्र है, हरी घास। ये चाय है, गर्म चाय। ये लंगूर है, इसकी क्या है, पूंछ जो है लंबी, पूंछ, इसकी पूंछ जो है लंबी है। तो बच्चों आप लोग पाठ को पढ़ना, पाठ 22 को, तो आप लोग इसको किताब में भरेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे।